आपका अपना चैनल न्यूज TNN लेकर आया है आज की प्रमुख सुर्खियां। यू आर वॉचिंग सुर्खियां स्पॉन्सर्ड बाय नाया अ कंप्लीट ग्रोसरी स्टोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का लोकार्पण। लोकार्पण के लिए उज्जैन में भव्य सजावट की गई थी। महाकाल लोक में लोगों का हुजूम काफी बड़ी संख्या में देखने को मिला। नम आंखों से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को दी गई विदाई। उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब। मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजकोट के जमकदोराना में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महंत कृष्णदास बापू से भी मुलाकात करी। देश की आज़ादी में वीर सावरकर का बड़ा योगदान रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सावरकर पर जोरदार भाषण। महाराष्ट्र के पालघर में घटी वो सामूहिक हत्या जो आपको याद ही होगी, जब दो साधुओं की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। 70 साल के महाराज कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के सुशील गिरी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलवड़े को 16 अप्रैल 2020 को उन्मादी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। अब इस मामले की CBI जांच का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच पर मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। इसके साथ ही मामले पर दोनों पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। अमृतसर शहर के बिजली बंद होने पर एक व्यक्ति को SMS भेजकर जानकारी दी जाएगी। कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बिजली बंद रहेगी यह भी बताया जाएगा। इसका मकसद है लोगों को किसी तरह का मुश्किल पैदा ना हो। ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ETO ने मुख्य इंजीनियर बॉर्डर जोन के दफ्तर से कंप्यूटर पर क्लिक कर इस सेवा का शुभारंभ किया। आतंक पर प्रहार। पंजाब में 10 दिनों में 5 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 17 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। कश्मीर को लेकर एक खूंखार आतंकी का बहुत बड़ा ऑडियो कबूलनामा सामने आया है। आतंकवाद और जिहाद को लेकर आतंकवादी ने कबूल किया है कि अब कश्मीर के लोग आतंकियों को पनाह नहीं दे रहे हैं। ईरान में हिजाब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हिजाब विरोधी आंदोलन पर ढाया जा रहा है जुल्म। ईरान की सड़कों पर उतरी लड़कियां। ईरान में 22 वर्षीय एक महिला की मौत की घटना के बाद से लगातार जारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज TNN।